हाँ जी, वेलकम बैक टू एनलाइटन एकेडमी। ठीक है जी, आज हम शुरू करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है सोशल नेटवर्किंग। इससे पहले हमने जो एडवांस कंप्यूटर थी उनके कुछ टॉपिक पूरे कर लिए थे। ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेटिंग हमने पढ़ लिया था, हमने 3G 4G के बारे में पढ़ लिया था, GPS के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स एंड हमने मालवेयर के बारे में इससे पहले वीडियोस में सब में पढ़ लिया था। ठीक है, आज ये न्यू टॉपिक है जिसका नाम है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग मीन्स जो भी हम ये नेट सर्फिंग करते हैं, ठीक है, ऐप्स चला रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, जो भी ये ऐप्स हैं, ये सभी की सभी सोशल नेटवर्किंग में आती हैं। ठीक है, आज हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि ये ऐप कैसे काम करती है, कब बनी थी, ठीक है, किसने बनाई थी, ठीक है, और आगे के बारे में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि सोशल नेटवर्किंग होता क्या है। सोशल नेटवर्किंग इज़ ए यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड ऑन सोशल मीडिया साइट्स। ठीक है, एक ऐसी ऐप है, ऐसी मीडिया साइट्स है जिसको हम इंटरनेट पे चला सकते हैं, जिससे हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, क्लीग्स, कस्टमर, क्लाइंट से बातें कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आज देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, हर बिजनेस में आप सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करते हो। आप एड्स लगाते हो, आप कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, ठीक है, मैसेजेस भेजते हो उनको, ठीक है, अपना जो भी आपका सामान होगा, आपकी दुकान है, किसी भी चीज़ की आप उनकी फ़ोटोज़ डालोगे, आगे शेयर करोगे, ठीक है, आगे ग्रुप्स में आप अपना मैसेज भेजोगे कि हम इस चीज़ का काम करते हैं, कोई भी इसको परचेज़ करना चाहता है हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, ऑफ़र्स लगाते हो कि हमारे पास इतना ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम सोशल नेटवर्क में करते हैं। तो सोशल नेटवर्क में और हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस देश के, मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ से अगर मैं किसी जलंधर से या पठानकोट से, पटियाला से, दिल्ली से, ठीक है, ये सभी जगह से क्या है, मेरे फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। अगर कोई दूर भी बैठा है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ सोशल नेटवर्किंग से। ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, आप दूर बैठे किसी बंदे को कहीं से कहीं आप वीडियो कॉल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाहर बैठा है, अब इंडिया से कैनेडा आप कॉल कर पा रहे हो, वीडियो कॉल कर पा रहे हो, नेट उनके साथ बातें कर पा रहे हो, चैट कर पा रहे हो, ये सभी पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ सोशल नेटवर्किंग से, इंटरनेट से। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग कैन हैव अ सोशल पर्पस, बिजनेस पर्पसेस और बोथ थ्रू साइट्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, अब कहते हैं जो सोशल नेटवर्किंग है, इनको आप क्या कर सकते हो, बिजनेस पर्पसेस के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था, आप अपनी ऐड लगा सकते हो, अपना जो भी सामान है उसको ऑफर लगा के बेच सकते हो। ठीक है, अपनी दुकान के बारे में बता सकते हो, अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकते हो, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जो नेम बैचेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको थ्रू एड्स बताते हैं, थ्रू मैसेजेस बताते हैं, थ्रू वीडियोस बताते हैं, तो इसी चीज़ों के बारे में क्या है, सोशल नेटवर्किंग है। अब इनमें कुछ ऐप्स आ जाती है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, इनके बारे में अब देखते हैं आगे। उससे पहले देखिए कि टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। अगर आप सोशल नेटवर्किंग कर रहे हो तो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ठीक है, इन चीज़ों में यूज़ होती है। मीडिया शेयरिंग के लिए आ जाती है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड यूट्यूब। ठीक है, डिस्कशन के लिए रेडिट, कोरा, डेक, कस्टमर रिव्यू नेटवर्क के लिए जोमेटो, टिप। ठीक है, ये सभी ऐप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऐप आ जाती है। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना हो तो डिफरेंट ऐप है, जोमेटो है, स्विगी है। ठीक है, और अगर क्लोथ्स ऑर्डर करनी हो, कुछ भी ऑर्डर करना हो, अमेजोन है, शॉपिंग करनी हो, फ्लिपकार्ट है, सभी चीज़ें, हर एक चीज़ के लिए ऐप बनी हुई है। तो सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग है, जो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी को साथ में जोड़ रही है, उसको हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, आज आप घर बैठे ही अपने फ़ोन से किसी भी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हो। आपने कुछ बाय करना हो, कुछ खरीदना हो, आप क्लोथ्स खरीद सकते हो, आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, मूवी की टिकट्स बुक कर सकते हो, प्लेन की टिकट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप अपने ही मोबाइल से, सोशल नेटवर्किंग से आप सब कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सोशल नेटवर्किंग में आती है पहली बारी फेसबुक की। अब फेसबुक क्या है, फेसबुक एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, आपको पता है फेसबुक के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है जी, तो सबसे पहले 2004 में इसको फाउंड किया गया था, इनको चार लोगों के द्वारा फाउंड किया था। सबसे पहले मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, एड्रूडो, सेवरिन, डस्टिन एंड क्रिस हुक्स, इन लोगों के द्वारा जो फेसबुक थी वो फाउंड की गई थी। फाउंड मतलब इन चारों ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने बनाया था फेसबुक को एक सिंपल पर्पसेस के लिए, कि लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ फ्रेंड ऐड हो सकते हैं, एक
थोड़ी बहुत फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं अगर आसपास के जो लोग जानते हैं। धीरे 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 ये जो फेसबुक है ये बहुत ही फेमस होगी, इसके यूज़र बहुत बढ़ गए, ठीक है, और आज हर कोई फेसबुक यूज़ करता है, ठीक है जी। और ये जो चारों थे ये कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट थे, ठीक है जी, वहाँ से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने ऐप भी वहीं से बनाना शुरू किया था, ठीक है। 2012 तक जो फेसबुक है वो बहुत ही मशहूर होगी, उनके जो यूज़र थे 1 बिलियन यूज़र आसपास के आप 12 में पहुंच चुके थे। अब लेकिन देखो 2021 चल रहा है तो यूज़र और भी बढ़ चुके हैं उनके, ठीक है, दिन पर दिन जो है फेसबुक के यूज़र बढ़ते जा रहे हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है फेसबुक का वो कहाँ है, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में इनका जो हेडक्वार्टर, ठीक है, इसको याद रखना, एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है, ठीक है, या CEO कौन है फेसबुक का, कब फेसबुक लॉन्च हुई थी, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आज हम सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, फेसबुक के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली जो ऐप है वो इंस्टाग्राम है, चाहे आप फेसबुक में हम थोड़ा कम ध्यान दें, ठीक है, हम सभी की आईडी यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन हम उन आईडीज़ को यूज़ नहीं करते, सबसे ज़्यादा हम यूज़ क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम भी एक अमेरिकन ऐप है, ठीक है, इसको अब आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम को अब फेसबुक ने खरीद लिया है, ठीक है, उनके शेयर सब उनके पास है, फेसबुक के पास है, ठीक है। सबसे पहले इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2010 को, इसको लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है, इसको क्रिएट किया था माइक क्राइगर एंड केविन सिस्ट्रॉम ने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये इंस्टाग्राम बनाया था। 2012 में फेसबुक के जो शेयर थे उसको फेसबुक ने $1 बिलियन में खरीद लिया था और उनके कुछ स्टॉक्स भी खरीद लिए थे, ठीक है, तो उसके बाद जो फेसबुक इंस्टाग्राम था वो फेसबुक के अंडर आ गया था। इंस्टाग्राम वैसे एक ऐप है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है, फोटोस अपलोड कर सकते हो। अब इनमें IGTV भी है, रील्स भी है, इनसे क्या, ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिनसे आप लोगों के साथ जुड़ सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, अपनी कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो, न्यूज़ भी आप शेयर कर सकते हो, न्यूज़ जो होती है आपकी उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, तो हर चीज़ें ये क्या है, सोशल नेटवर्किंग पे आज आप हर चीज़ किसी चीज़ को शेयर कर सकते हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप सोशल नेटवर्क से ले सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारे व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप है, सभी के फ़ोन में व्हाट्सएप होता है, हम चाहे पुराना फ़ोन है चाहे नया फ़ोन है, नया फ़ोन अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ही डाउनलोड करते हैं कि मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप हो, ठीक है, कोई भी हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी के फ़ोन में व्हाट्सएप होता है, सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम चैटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, डाटा शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप क्या है, सबसे कन्वीनियंट है, ठीक है, आसान है इसको चलाना। और व्हाट्सएप को सबसे पहले बनाया गया था 2009 में, ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 2009 में, फाउंड किया गया था व्हाट्सएप को, कि कौन थे इनके फाउंडर, ब्रेन एक्टर एंड जैन कॉम, ठीक है, ये क्या थे इनके फाउंडर थे, सॉरी ब्रेन एक्टर नहीं, इनका नाम था, फाउंडर इनके थे ब्रायन एक्टर एंड जैन कॉम, ये दोनों इनके फाउंडर थे। 2009 में जब इन्होंने याहू से अपनी जॉब को छोड़ दिया तो इन्होंने ये सोचा कि हमने जो जॉब की है उनमें हमने बहुत ही सेविंग कर ली है, ठीक है, तो अब टाइम है हमारा वर्ल्ड टूर पे जाने का, घूमने का, जॉब तो हम करते रहेंगे, तो ये दोनों जने पूरी वर्ल्ड टूर पे निकल गए, ठीक है, धीरे धीरे अब आप जितना भी पैसा जोड़ोगे तो धीरे धीरे अगर आप उसको नहीं बढ़ाओगे तो वो ख़त्म होगा, तो धीरे धीरे जो सेविंग जब ख़त्म होती रही तो इनको फिक्र पड़ गई, यार अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं अब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐप बनाई, ऐप के बारे में सोचा जिसका नाम इन्होंने व्हाट्सएप रखा, भी हम ऐसे ऐप बनाते हैं जिनसे लोग आपस में जुड़ सके, बातें कर सके, ठीक है। तो जब ऐप बनाई थी सबसे पहले ये अपनी ऐप को लेकर गए थे फेसबुक के पास, ठीक है, फेसबुक के पास सबसे पहले अपनी ऐप को ले गए, लेकिन फेसबुक ने वहाँ पे इनको इनकी ऐप को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं चल पाएगा, ठीक है,
होता है कभी कंपनीज नहीं पहचान पाती कि ये आने वाले टाइम पे ये ऐप ज़्यादा चलेगी, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप को 2010 में लॉन्च कर दिया था, ठीक है, लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इंडिया में 2010 में ये ऐप आई थी, मिड 2010 में, ठीक है। और धीरे धीरे ये ऐप इतनी पॉपुलर बनती रही, इतनी पॉपुलर होती रही कि इसके यूज़र 400 मिलियन यूज़र बाय 2019 पहुंच चुके थे, ठीक है। तो जब 400 मिलियन यूज़र पहुंच चुके थे और इतनी ज़्यादा ऐप चल रही थी कि लोग सबसे पहले लोग बातें करने के लिए क्या करते थे कि हम फेसबुक के मैसेंजर यूज़ करते थे, व्हाट्सएप की जगह लोग बहुत ज़्यादा मैसेंजर यूज़ करते। लेकिन बाद में व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप फिर क्या हुआ कि फेसबुक ने जो इनके शेयर थे उनको खरीद लिया। अब आप देख रहे हो कि जो व्हाट्सएप भी है वो भी फेसबुक के अंडर है, ठीक है। व्हाट्सएप और जो फेसबुक अपना इंस्टाग्राम है दोनों फेसबुक के अंडर है, लेकिन जो व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर थे अभी भी, ठीक है, वो व्हाट्सएप को चेक करते रहते हैं, ठीक है। अब उनमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वही करते हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन में कोई हेर फदर करनी हो, ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज करनी हो तो वही, ये दोनों ही वो उन चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि YouTube के बारे में, ठीक है। अब YouTube के बारे में बात करते हैं कि 14 फ़रवरी 2005 को सैन मार्टियो कैलिफोर्निया में, ठीक है, जो YouTube थी उसको लॉन्च किया गया, ठीक है, बनाया गया 14 फ़रवरी को। लेकिन 15 दिसंबर 2005 को जो YouTube थी वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी थी, ठीक है। कब आई थी ये? सबसे पहले 14 फ़रवरी 2005 को, ठीक है, लेकिन इंडिया में 2005 में 15 में आई, दिसंबर 15, 2005 में, ठीक है जी। तो कुछ महीने बाद, ठीक है, इंडिया में भी ये लॉन्च हो चुकी थी। अब YouTube क्या है? सबसे जो यूज़ होने वाली, ठीक है, एडुकेशन पर्पसेस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, ठीक है, अपनी कंपनी की प्रमोशन के लिए, ठीक है, हर चीज़ के पर्पज़ के लिए YouTube को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सभी अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। धीरे धीरे जब उनकी वीडियोस चलने लग जाती है तो लोगों के पास, सभी लोगों के पास उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। एडुकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया है, जैसे हम अभी आपको ये वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रहे ताकि आप सभी लोग इनको यहाँ बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें, ठीक है। तो ये है इंफॉर्मेशन देना। तो सोशल नेटवर्किंग का काम है सभी जगह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, ठीक। लेकिन सोशल नेटवर्किंग का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि सोशल नेटवर्किंग में फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलती है। पहले ऐसा होता था कि आपके फ़ोन में आपको व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐसे मैसेज आ जाते थे किसी को कि इस मैसेज को 5 लोगों में शेयर करो नहीं तो आपको बुरी खबर मिलेगी, इस मैसेज को 10 लोगों में शेयर करो आपको शाम तक कितने पैसे मिल जाएंगे, इस मैसेज को अगर शेयर नहीं करोगे तो आपके ये लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो लोग डरते मारे भी, लोगों में वहम था कि नहीं यार किसी ने ऐसा कह दिया तो हम शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन फेक न्यूज़ जो लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रही थी, ठीक है, जो लोग बार बार ऐसे मैसेज शेयर कर रहे थे, ठीक है, और ऐसे मैसेज भी आते थे कोई पुरानी, बहुत पुरानी खबर जो झूठी खबर थी, कोई 5-6-10 साल पुरानी खबर को बीच में डालते थे कि यार यहाँ पे ऐसा हुआ, तो लोग सोच रहे थे कि ये कब की बात है, ठीक है। तो कुछ फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सोशल नेटवर्किंग में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो, पहले आप कितने ही यूज़र को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते, लेकिन अब 5 ही यूज़र रह चुके हैं, ठीक है। और जो भी फेक न्यूज़ होती है उनको चेक किया जाता है और पीछे पीछे सर्वे में उनको डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज आप जो फेक न्यूज़ है उनको नहीं फैला पा रहे, ठीक है, फैलती है, लेकिन उनको जो साइबर है पीछे उनको क्या करते हैं, उसको उस न्यूज़ को डिटेक्ट करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, कौन से आईपी एड्रेस से शुरू हुई थी, और उसको फाइंड करके अगर वो न्यूज़ कोई दंगे फैलाने वाली न्यूज़ थी या लोगों को भड़काने वाली न्यूज़ थी, ठीक है, या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट थी, तो उनको डिलीट किया जाता है और उसका ओरिजिन जहाँ से उसको शुरू किया गया था उसको भी पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है और पकड़ा भी जाता है, ठीक है। और फिर जो रूल के तहत जो उनकी सज़ा थी, जो फाइन है, उनको दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब सोशल नेटवर्किंग का चरण कब से शुरू हुआ था, सबसे पहले सोशल मीडिया पे एक ऐप बनी थी जिसका नाम था 6 डिग्री, ठीक है।
इसको बनाया था एंड्रियो वेनरिच ने 1997 में, ठीक है। सबसे पहली ऐप है ये, याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली सोशल नेटवर्किंग ऐप कौन सी है, तो उसका नाम है सिक्स डिग्री, ठीक है जी। 1997 में इसको एंड्रियो वेनरिच ने बनाया था, ठीक है। सिक्स डिग्री तो धीरे धीरे पॉपुलर होती रही, ठीक है। इसके यूज़र 2003 में बढ़े, ठीक है। उसके बाद टॉम एंडरसन ने क्या बनाया, दूसरी ऐप बनी, इसका नाम था माई स्पेस, ठीक है। तो पहले एंड्रियो ने वेनरिच ने 1997 में सिक्स डिग्री बनाई, धीरे धीरे उसके बाद 2003 में जब ये थोड़ी पॉपुलर होगी तो एंड्रियो टॉम एंडरसन ने ऐप बनाई जिसका नाम था माई स्पेस, ठीक है। इंटरनेट सर्फिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता था, सोशल नेटवर्किंग के यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसके बारे में, ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशंस, ठीक है, कुछ रूल्स जो न्यू आईटी लॉ कह लें चाहे हम, कुछ न्यूज़ जो आई है, ठीक है। तो सब ये न्यूज़ है कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है जी, ठीक है, आपका आईटी सेंटर, आईटी सेंटर कौन सा होता है, ठीक है, साइबर सेंटर कौन सा होगा, आईटी सेंटर जहाँ पे जो भी ये सोशल नेटवर्किंग पे काम चल रहा है, कंप्लेंट्स आती हैं जो, ठीक है, फेक न्यूज़ की कंप्लेंट्स है, किसी कोई अब्यूसिव कंटेंट की कंप्लेंट है, कोई भी फेक कंटेंट है जिसके बारे में बहुत ही जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, उसको डिलीट करवाने के लिए या पकड़ने के लिए, ठीक है, कोई अगर आपको धमकियाँ दे रहा है तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ें हैं, कोई लोग हम देखते हैं कि लोग किसी की भी पेज पे, अगर आप देखिए आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अगर कोई अननोन पर्सन धमकी दे, ठीक है, कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, या आपके चैनल पे कहीं और चैनल पे कोई फेक रिव्यू डाल रहा है, आपको लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके भी ऊपर भी एक लॉ है, रूल है, ठीक है। आप कंप्लेंट कर सकते हो और उसका क्या जो ओरिजिन है, जहाँ से उस आईपी एड्रेस से मैसेज आया, उनको पकड़ा भी जा सकता है, ठीक है, और जो भी उनका फाइन बनता होगा, जो सज़ा बनती होगी, उनको वो दी जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, जो ये फेक न्यूज़ थी, जो दंगे फसाद कर रही थी, ठीक है, जो अब्यूसिव कंटेंट है, जिसको जिसके हरासमेंट हो सकती है, ठीक है, तो उन चीज़ों को डिलीट करने के लिए ये आईटी सेंटर, साइबर सेंटर बनाए गए, ताकि लोगों पर निगाह रख सकें, ठीक है। अगर ये आईटी सेंटर, साइबर सेंटर ना हो, तो कोई भी सोशल नेटवर्क पे कोई भी न्यूज़ शेयर कर सकता है, कोई भी कंटेंट डाल सकता है, ठीक है, जो दंगे कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये बनाया। अब रूल ये बना, अब देखिए ट्विटर भी है, ट्विटर पे भी आपके देखते हो आप सभी, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे आपका फेसबुक है, चाहे आपका ट्विटर है, चाहे आपका लिंक्डइन है, इन सभी ऐप्स पे आप वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ जुड़ सकते हो। वर्ल्ड के किसी कोने में भी आपने बात करनी हो, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, आप कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छी बात भी है, अब ये बुरी बात भी है। अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को जान सकते हो, ठीक है, हर चीज़ देख सकते हो। अब बुरी बात क्या है, कुछ फेक न्यूज़ ऐसे भी शेयर हो जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर हो जाती हैं जो कि इधर उधर फैल कर हमारे बारे में गलत सिग्नल भी दे सकती है, ठीक है। जो ऐसी बात ना हो, किसी ने झूठ फैला दिया हो और वो झूठ आग की तरह फैल रहा हो, तो उसको रोकने के लिए आईटी सेंटर, साइबर सेंटर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब रूल क्या था कि जो भी आईटी सेंटर पे, साइबर सेंटर पे जो भी कंप्लेंट आती है, अब देखो अगर हम मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्विटर पे कोई कंप्लेंट करूँ, तो ट्विटर बाहर की कंपनी है, ठीक है, तो कंप्लेंट बाहर जाएगी, ठीक है, वहाँ से उनका कोई रिस्पॉन्स आएगा, जब तक उनका रिस्पॉन्स आएगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि जो उनका, ठीक है, जो कंप्लेंट सेंटर होगा, ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनका जो ग्रीवनेंस होगा, ठीक है, मतलब कि जो जीआरओ, ठीक है, ग्रीवियंस रिडर्सल ऑफिसर, ठीक है, जो कि होना चाहिए, कहते हैं कि इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, जो उनका ग्रीवियंस ऑफिसर होगा ना, जो कंप्लेंट लेगा। ग्रीवियंस ऑफिसर कौन सा होता है, जिनके पास कंप्लेंट्स आती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग के रिगार्डिंग, जो कंटेंट होता है इनके रिगार्डिंग, जो कंप्लेंट आती है, तो वो कहते हैं इंडिया का हो, या तो ऑफिस इंडिया में हो या इंडिया का बंदा हो, ताकि वो इन चीज़ों को सुन सके, देख सके, समझ सके और डिलीट कर सके, ठीक है, जो भी एक्शन लेना हो वो ले सके, ठीक है। तो ये आईटी रूल 2021 में बनाया गया, ठीक है, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मीडिया प्लेटफॉर्म है,
सभी में इस चीज़ को क्या है उन्होंने लागू किया कि जो ग्रेवियंस ऑफिसर होगा वो इंडिया का रेसिडेंस हो, ठीक है। स्पेशल एम्फोसिस हैज बीन गिवन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, फेक न्यूज एंड अदर मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। स्पेशल एम्फोसिस मतलब कि ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों पर दिया गया, पहली बात प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन पे, वुमेन की प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया गया, दूसरा चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, छोटे बच्चों पर जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है उनको रोकने के लिए ध्यान दिया गया, और जो फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया का मिसयूज़ किया जा रहा है इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों पर पकड़ बनाने के लिए, ध्यान रखने के लिए जो है ये आईटी रूल निकाला गया। और ये कब निकाला, इसको 26 मई को इशू किया गया था, ठीक है, फ्रेश नोटिस सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट ने किया गया था इसको इशू किया था, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि जो ग्रेवियंस ऑफिसर वो कब चूज़ किया गया और न्यूज़ कब आई थी, करंट अफेयर्स में भी आपको इसके बारे में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडिया की कुछ ऐप्स, ठीक है। अब इंडिया की कुछ ऐप्स मतलब कि जो मेड बाय इंडिया है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट है हमारे एम वेंकैया नायडू, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऐप को लॉन्च किया जो एक न्यू सोशल मीडिया ऐप है, और इसको बनाया गया अंडर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंडर इसको बनाया गया, ठीक है। जो आत्मनिर्भर भारत है ना, कि भारत आत्मनिर्भर है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने न्यू ऐप बनाई है जिसका नाम है एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐप है जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर बनाई गई है, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ चीज़ें देखेंगे, अगली जो क्लास होगी हम इसमें जो न्यू टॉपिक्स और हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम इनके करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको जो मैंने आज पढ़ाया है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।